नमस्कार, मैं शिवानी। नॉनस्टॉप 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और विदेश से जुड़ी खबरें। झारखंड के कई हिस्सों में आज भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.3 मापी गई। भूकंप के झटके 9:20 में 5 सेकंड के लिए राजधानी रांची और जमशेदपुर में महसूस किए गए। भूकंप के झटकों ने लोगों को डरा दिया और सभी घरों से बाहर आ गए। फिलहाल किसी तरह के कोई नुकसान की खबर नहीं है। एयर इंडिया की दुबई से दिल्ली आ रही फ्लाइट AI-916 में एक सीट की पॉकेट में कारतूस मिला है। एयरलाइन ने तुरंत एयरपोर्ट पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। हालांकि इससे किसी भी यात्री को कोई हानि नहीं पहुंची और सभी यात्रियों को लैंडिंग के बाद सुरक्षित उतार लिया गया था। भारत में साइबर अपराधों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें 2023 में 7.9 करोड़ से अधिक हमले हुए। NGO प्रहार की द इनविजिबल हैंड रिपोर्ट के अनुसार यदि स्थिति नियंत्रित नहीं की गई तो 2033 तक ये हमले 1,00,000 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। दीपावली पर आतिशबाजी के कारण भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में हवा का प्रदूषण बढ़ गया है। पटाखों के जलने से दिल्ली का AQI 362 तक पहुंचा। चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी प्रदूषण में वृद्धि देखी गई, जबकि देहरादून में AQI 270 दर्ज किया गया। उत्तर भारत में अगले कुछ दिनों में तापमान में गिरावट होगी, लेकिन ठंड का एहसास तुरंत नहीं होगा। मौसम विभाग के अनुसार जनवरी में अधिक ठंड पड़ने की संभावना है, लेकिन अभी तक ला नीना की स्थिति नहीं बनी है। नवंबर में बारिश सामान्य से कम होगी। भारत लद्दाख में नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप NLST स्थापित करने की योजना बना रहा है, जिसका नेतृत्व प्रोफेसर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम कर रही हैं। यह टेलीस्कोप सूर्य पर गतिविधियों के अध्ययन में मदद करेगा। इसे 4200 मीटर की ऊंचाई पर पैंगोंग झील के किनारे स्थापित किया जाएगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत भारतीय स्कूलों में छात्रों को शोध और इनोवेशन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। 400 से अधिक छात्र प्रोजेक्ट मानकों पर खड़े उतरे हैं, जिन्हें आगे के शोध के लिए 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। केंद्र सरकार ने नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत 14,500 ड्रोन के संचालन के लिए 1,261 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। यह योजना स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ड्रोन उपलब्ध कराकर कृषि में तरल उर्वरकों को कीटनाशकों का छिड़काव करने में मदद करेगी, जिससे पैदावार बढ़ेगी। और चीन ने पूर्वी लद्दाख में देपसांग और डेमचोक में टकराव समाप्त कर पेट्रोलिंग की शुरुआत की है। 4.5 साल बाद दोनों पक्षों ने अपनी पेट्रोलिंग की जानकारी साझा की। दिवाली के दिन मिठाइयों का आदान प्रदान भी हुआ, जिससे सीमा पर तनाव कम होने का संकेत मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक परिषद के सलाहकार विवेक देबरॉय का 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें सूक्ष्म आंत्र रुकावट के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वे एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, लेखक और संस्कृत विशेषज्ञ थे, जिन्होंने कई ग्रंथों का अनुवाद भी किया। गंगोत्री धाम के कपाट 2 नवंबर को अन्नकूट पर्व पर बंद किए गए। मां गंगा के उत्सव डोली मुखी मठ के लिए रवाना हुई। श्रद्धालु अब 6 महीने तक मुखी मठ में दर्शन कर सकेंगे। केदारनाथ और यमुनोत्री के कपाट भी जल्द बंद होंगे। ऑस्कर अवार्ड देने वाली द अकादमी ने शाहरुख खान की फिल्म कभी खुशी कभी गम के एक सीन को उनके जन्मदिन पर साझा किया। इस सीन में शाहरुख खान की ग्रैंड एंट्री दिखाई गई है। फिल्म 2001 में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। मुंबई पुलिस ने अभिनेता सलमान खान के घर पर फायरिंग के मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी के लिए प्रत्यर्पण प्रक्रिया शुरू की है। मकोका कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है और अनमोल अमेरिका में है। दिवाली के बाद छठ पर्व के लिए बिहार लॉटरी की होड़ में यात्रियों की भारी भीड़ ने दिल्ली मुंबई सहित प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर समस्याएं उत्पन्न की है। IRCTC की वेबसाइट और ऐप की सर्वर डाउन होने से तत्काल टिकट बुकिंग में बाधा आई, जिससे यात्रियों में नाराजगी बढ़ी है। अमेरिका ने रूस के सैन्य सहयोग में शामिल 15 भारतीय कंपनियों समेत 275 लोगों पर प्रतिबंध लगाया है। यह कदम चीन, स्विट्जरलैंड और थाईलैंड की कंपनियों पर भी लागू होता है। अमेरिका का लक्ष्य रूस को आवश्यक प्रौद्योगिकी और उपकरणों की आपूर्ति रोकना है। भारत में त्योहारी महीने में SUV की बिक्री में वृद्धि हुई है, खासकर मारुति सुजुकी और महिंद्रा की। मारुति की SUV बिक्री में 19.4% और महिंद्रा में 25% की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि छोटी कारों की मांग में कमी के कारण कुल बिक्री प्रभावित हुई है। मेटा की फेसबुक इंडिया ऑनलाइन सर्विसेज का मुनाफा 2023-24 में 43% बढ़कर 504.9 करोड़ रुपये हुआ है, जबकि पिछले वर्ष 352.91 करोड़ रुपये था। कंपनी का कारोबार 9.33% बढ़कर 3034.82 करोड़ रुपये रहा। खर्च 2350 करोड़ रुपये बताया गया है।
कश्मीर में सुरक्षाकर्मियों और आतंकियों के बीच दो मुठभेड़ चल रही है। श्रीनगर के खानयार में 4 सुरक्षाकर्मी घायल हुए जबकि 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। अनंतनाग में भी 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने न्यूट्रलाइज किया है। तलाशी अभियान जारी है। भारत ने 2030 तक अपने 30% स्थलीय जल और समुद्री क्षेत्रों को संरक्षित करने का संकल्प लिया है। नई रणनीति में 23 लक्ष्य शामिल हैं। जैव विविधता ढांचे के अनुरूप है। योजना में जैव विविधता के खतरों को कम करने और टिकाऊ उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अक्टूबर में भारत का कोयला उत्पादन 7.4% बढ़कर 84.45 मिलियन टन हो गया है। कैप्टिव और अन्य इकाइयों से उत्पादन 16.59 मिलियन टन तक बढ़ा है। इसी महीने में कोयला डिस्पैच 82.89 मिलियन टन तक पहुंचा। मंत्रालय ने ऊर्जा आपूर्ति के लिए प्रतिबद्धता जताई है। क्रेडिट कार्ड का उपयोग अब बीमा प्रीमियम भुगतान के लिए भी किया जा सकता है। बीमा कंपनियां और बैंक सुविधाजनक विकल्प प्रदान कर रहा है। ऑनलाइन पोर्टल, ऑटो डेबिट और मोबाइल ऐप्स के जरिए प्रीमियम भरे जा सकते हैं, लेकिन समय पर भुगतान करने की सावधानी जरूरी है। भारत ने कनाडा के उप विदेश मंत्री के बयानों पर कड़ी आपत्ति जताई है। आरोपों को बेबुनियाद बताया। विदेश मंत्रालय ने कनाडा के डिप्लोमेट को बुलाकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। भारत का कहना है कि कनाडा की रणनीति भारत को बदनाम करने की है, जो राजनयिक सम्मेलनों का उल्लंघन है। एनवीडिया का मार्केट कैप भारत के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी की संपत्ति के करीब पहुंच गया है। एनवीडिया के शेयरों में 2% की वृद्धि के बाद इसका मार्केट कैप 3.321 ट्रिलियन डॉलर हो गया है, जबकि एप्पल का मार्केट कैप घटकर 3.389 ट्रिलियन डॉलर हो गया है। एनवीडिया का डाउ जोन्स में शामिल होना इसकी वृद्धि का मुख्य कारण है। डॉक्टर मोहन भागवत ने ग्वालियर में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 4 दिवसीय प्रचारक वर्ग में शामिल होने आए हैं, जिसमें 554 प्रचारक भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम का मुख्य मुद्दा हिंदू समाज में सामाजिक समरसता है। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारियों में तेजी है। सड़कों का चौड़ीकरण, ड्रेनेज सिस्टम और लाइटिंग जैसी 50 परियोजनाएं PDA द्वारा चल रही है। 31 परियोजनाओं का लक्ष्य 15 नवंबर तक पूरा करने का है। सीएम योगी ने हाल ही में तैयारियों की समीक्षा की। भारत के खाल मंत्रालय ने बताया कि वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही में लौह अयस्क का उत्पादन 135 मिलियन टन तक पहुंच गया है, जो 5.5% वृद्धि दर्शाता है। अन्य धातु जैसे मैग्नीज और प्राथमिक एल्यूमिनियम का उत्पादन भी बढ़ा है, जो आर्थिक विकास को संकेत करता है। IPL 2025 की तैयारियों में पंजाब किंग्स ने रिकी पोंटिंग को मुख्य कोच नियुक्त किया है। टीम ने कई खिलाड़ियों को रिलीज किया और नई रणनीतियों के तहत बदलाव करने का निर्णय लिया है। पोंटिंग ने फ्रेंचाइजी को मजबूत बनाने और नए माहौल की आवश्यकता पर जोर दिया। चीन ने पाकिस्तान में अपने नागरिकों पर हुए आतंकवादी हमलों के बाद कड़े तेवर अपनाए हैं। चीनी राजदूत जियांग जेडोंग ने सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की, जबकि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इसे परेशान करने वाला बताया। यह स्थिति द्विपक्षीय संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में हाल ही आतंकवादी हमलों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, लेकिन सुरक्षा में किसी चूक का खंडन किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल आतंकियों को सख्ती से जवाब दे रहे हैं और हमलों की संख्या में कमी आई है। मुठभेड़ों में कई आतंकवादी मारे गए हैं। भारत ने अमेरिका द्वारा 19 कंपनियों और 2 व्यक्तियों पर लगाए गए प्रतिबंधों पर प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्रालय का कहना है कि ये कंपनियां भारतीय कानूनों का उल्लंघन नहीं कर रही है। प्रतिबंध रूस को सामग्री आपूर्ति करने के आरोप में लगे हैं। भारतीय कंपनियों का कहना है कि उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है संजीव कुमार, राम बाबूदास, दीपक कुमार, मोहन चाकुरी हुसैन, अर्जुन राम, मुकुंद कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि क्या आप मानते हैं कि सरकार को आतंकवाद के खिलाफ सख्त कानून बनाना चाहिए? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।